जिया शंकर ने आखिर कल लाइव आकर क्या क्या खुलासे किए हैं, और यही नहीं बल्कि वो लाइव से एक पार्ट, एक पर्टिकुलर जो पार्ट है उसका किसी ने स्क्रीन रिकॉर्डिंग करके बहुत ज्यादा शेयर किया है, जहां पर लोग बार बार जिया शंकर को ये कह रहे हैं कि आप जो है जिया शंकर को कह रहे हैं कि आप एक बार यूट्यूब पे आ जाइए, जिस पर उनका क्या रिप्लाई आया है, वो वीडियो बहुत ज्यादा वायरल हो रहा है। तो आइए आपको देते हैं इस बारे में पूरी अपडेट और दिखाते हैं वो वीडियो भी। तो इस वीडियो को देखने के लिए इस वीडियो को एंड तक जरूर देखिएगा। नमस्कार, आप देख रहे हैं फीफा फूज और मैं हूं आपका अपना दोस्त और होस्ट गणेश कांदो। जिया शंकर, जिनको बिग बॉस के घर में जब वो थी तो यार बहुत ज्यादा ट्रोल किया गया, बहुत ज्यादा गलत बोला गया, और बहुत बार ऐसा भी हुआ कि यार जिया को क्यों रखा गया है बिग बॉस के घर में, निकाल दो, इस तरीके की बातें बहुत ज्यादा हुई। लेकिन जैसे ही जिया बिग बॉस के घर से बाहर आई, उसके बाद जो ताता लगना शुरू हुआ ये कहने वालों का कि यार जिया कहीं ना कहीं डिजर्व करती थी, बेबिका और पूजा से तो ज्यादा ही डिजर्व करती थी बिग बॉस के घर में रहना। और बहुत सारे लोगों ने तो ये भी बोला कि यार जिया कम से कम फिनाले तक जाना तो डिजर्व ही करती थी, क्योंकि उनका गेम उतना तो बढ़िया था और ऐसा नहीं था कि उनको अवॉइड कर सकते थे। बेसिकली जब जिया बिग बॉस के घर से बाहर आई तो एक टैगलाइन जो काफ़ी ज़्यादा फेमस हुआ उनके साथ साथ, दो टैगलाइंस थे, एक तो जिया डिजर्व फिनाले और एक था कि भाई आप यू कैन लव यू कैन हेट बट यू जस्ट कांट इग्नोर। और वही चीज़ थी जिया के साथ कि कोई भी उनको इग्नोर नहीं कर सकता था, क्योंकि उन्होंने ऐसे ऐसे जगह पर भी अपने स्टैंड लिए जहाँ पर ऑलमोस्ट घर वाले पीछे हट रहे थे। जैसे पूजा भट्ट के सामने इस बार आपने देखा होगा कि एक टैबू बन गया था, पूजा भट्ट को कोई कुछ नहीं बोल रहा या उनके अगेंस्ट कोई भी नहीं जा रहा, सिर्फ अभिषेक मलान को छोड़कर, जिसके बाद जिया ने 2 से 3 बार स्टैंड ले लिया अपने लिए। तो वो चीज़ें जो है थोड़ा सा हटके दिखी। और जब जिया बिग बॉस के घर से बाहर आई तो सबने यही चीज़ बोली कि यार बेबिका और पूजा से ज़्यादा डिजर्विंग थी जिया, जिनको रहना चाहिए था। और घर से बाहर आने के बाद उन्होंने अभिषेक के बारे में, एल्विश के बारे में, मनीषा के बारे में बात की है, और इस बार लाइव पर भी वो एल्विश के बारे में बात कर रही हैं और यूट्यूब जर्नी के बारे में बात कर रही हैं अपने। जी आप देख सकते हो एल्विया चलाओ ट्रेंड में। हाउ क्यूट, आप भी यूट्यूब पे आओ। अरे यार बहुत मेहनत का काम है, मुझे नहीं पता मुझसे होगा नहीं होगा, बट आई कैन गिव इट अ शॉट। पता नहीं, बहुत मुश्किल काम है और यूट्यूब ईजी नहीं है। आई एम नॉट श्योर कि मैं मुझसे हो पाएगा या नहीं, अब देखते हैं। फिलहाल तो ये कह रही हैं, लेकिन हो सकता है कि अभिषेक और एल्विश के बाहर आने के बाद शायद हमको जिया का भी कोई यूट्यूब चैनल देखने को मिल जाए। फिलहाल इस पर आपकी क्या राय है, और अगर जिया अपना यूट्यूब चैनल शुरू कर रही हैं तो इसके लिए आप कितने ज़्यादा एक्साइटेड होंगे हमें ज़रूर बताएगा हमारे कॉमेंट सेक्शन में लिखकर। मिलते हैं आपसे अगले वीडियो में, धन्यवाद।